नमस्कार बच्चों, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी की पार्ट थ्री क्लास है आपकी, ठीक है। और इसके बाद मैं ऑलमोस्ट पूरी कोशिश करूंगा कि आज की ही क्लास में पूरी प्रॉपर्टीज खत्म करा दूं, लेकिन क्या करें, कोर्स काफी इसका लेंदी है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ही, ठीक है। इसके बाद की क्लासेस थोड़ी मैं लंबी लंबी क्लासेस लूंगा ताकि ज्यादा ज्यादा कोर्स हम कवर कर पाए, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि कैसे क्या रहेगा, एग्जाम कैसे होंगे, कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए हमें थोड़ी तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। भाई 12वां क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है 4.2 का ही, ठीक है। और आपसे बोला गया भाई इसको सॉल्व करो, तो ठीक है जी। तो देखो भाई, ये 1 - x का क्यूब है, तो अगर मैं इसे 1 का क्यूब भी लिख लूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। तो हमारी नजर में अगर बात की जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या कि बच्चों, अगर मैं इन तीनों को आपस में ऐड कर दूं, तो देखो ये बन जाएगा 1, देखना ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 1 x² x। तो 1 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर बोल सकता हूं, प्लस एक्स का स्क्वायर को बी स्क्वायर बोल सकता हूं, और एक्स एक्स के मल्टीप्लाई में अपने आप में 1 हो गई। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई में 1 होता ही होता है, ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको जैसे मर्जी चाहे वैसे भी ऐड कर लो। तो अगर आप चाहो तो सी1 की तरह से कर लो, चाहे आप चाहो तो आर1 की तरह से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेफ्ट हैंड क्योंकि सारी जगह से एक जैसा ही है। तो मान लो मैंने सी1 में कर लिया, फॉर एग्जाम्पल सी1 प्लस सी2 प्लस सी3, तो ये बनेगा 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर। या इसको अरेंज करके सही से लिखना है तो ऐसे लिख दो 1 + x² प्लस एक्स, इसको भी ऐसे लिख दो 1 + x² प्लस एक्स, 1 + x² प्लस एक्स, ऐसे लिख दो, ठीक है। बाकी से सारी चीज सेम, ठीक है, बाकी सारी चीज सेम। अब क्या है भाई, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन? 1 + x² प्लस एक्स फ्रॉम सी1। तो जब ये निकाल लोगे तो 1 + x² प्लस एक्स, ठीक है, यहां बचेगा 1 1 1, x1 x² x² x और 1। अब आपको पता ही है, जब 1 1 की लाइन आती है तो क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं बस। तो कर दो ऑपरेशन, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1, ठीक है, करो सॉल्व। तो ये बन गया 1 + x² प्लस एक्स, हाँ जी R1 तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको करो, 1 में से 1 गया 0, 1 में से x गया 1 माइनस x, x में से x स्क्वायर गया 1 माइनस x स्क्वायर 0, फिर x² - x, x² - x, 1 - x² ठीक है। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओ, 1 + x² प्लस एक्स, ये 1 0 0 x 1 - x 1 - x, और प्रूफ में भी हमें 1 - x चाहिए। और इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 1, ठीक है। फिर यहाँ पे x², फिर इसमें से x कॉमन लेंगे 1 - x², फिर यहां तो है ही 1 - x², लेकिन यहाँ बच्चों 1 - x² आ गया, है ना, 1 - x² आ गया। तो 1 - x² को अगर मैं यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर ले लूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं भाई। सॉल्व करो तो क्या आएगा, a - b a + b, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हमने यहां तक कर लिया, ठीक है, अब हमने यहां तक कर लिया, ठीक। लेकिन बच्चों इसमें एक समस्या है, क्या समस्या है, 1 + x² प्लस एक्स, हाँ जी 1 0 0 x 1 - x x, लेकिन बच्चों यहां तो हमें 1 - x चाहिए था, लेकिन आया क्या, x - 1। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, 1 - x, पता है ना, जबरदस्ती के सौदा कर रहे हैं हम, x 1 - x² यहां पे भी क्या है, 1 - x², तो क्या कॉमन आएगा भाई, यहां पे भी ओपन करो, इसमें भी ओपन करोगे तो 1 - x 1 + x, ठीक है, और यहां क्या बनेगा, 1 - x 1 + x, ठीक है। चलो भाई कॉमन लो, देखो R2 में से 1 - x कॉमन आ रहा है और R3 में से भी 1 - x कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन कॉमन 1 - x फ्रॉम R2 एंड R3, ठीक है। तो 1 + x² प्लस एक्स और साथ में कॉमन 1 - x इधर से और 1 - x इधर से, क्यों? क्योंकि R2 से भी निकाला गया और R3 से भी निकाला गया, इसलिए दो बार आया, 1 0 0 x 1 - x x²
एक्स वन प्लस एक्स और ये वन प्लस एक्स। क्या करोगे भाई, ओपन करो नाउ। जब ओपन करोगे तो ये बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। या एक काम करो भाई, इन दो को देखो ध्यान से, क्या ये आपको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो क्या मैं इसको बना सकता हूं वन माइनस एक्स का होल क्यूब, इसको और इसको मिला के साथ में क्या बच गया, वन माइनस एक्स। ठीक है, इसको ओपन करो बच्चों, इसको ओपन करोगे तो आपको पता ही है वन। ठीक है, ये भी गया ये भी गया, बचा वन एक्स वन प्लस एक्स और माइनस का एक्स वन प्लस एक्स, यही तो बचेगा। बाकी सारे तो क्या हो जाएंगे, अंडरस्टूड सी बात है, जीरो है तो बाकी सारे कंटेंट क्या होंगे, जीरो। चलो आगे देखते हैं, तो ये बन गया वन माइनस एक्स क्यूब वन माइनस एक्स। हाँ भाई, इसको सॉल्व करो, इसको इससे करेंगे वन प्लस एक्स, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स। ठीक है, चलो वन माइनस एक्स क्यूब का वन माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, ये वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब। क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब। ये तो गड़बड़ हो रही है भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो रही है देखो जरा, वन माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना। एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, गलती यहां हो गई, कैसे, जब बच्चों एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूंगा तो यहां तो वन माइनस एक्स होना चाहिए था ना, मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये गड़बड़ हुई है, तो इसको हटाना पड़ेगा यहां से। ठीक है, इसको भी हटाना पड़ेगा यहां से क्योंकि कॉमन आया है। ठीक है, और ये तो क्या रहेगा, जीरो एक्स, ये ठीक है, और ये भी ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सही है। अब देखो अब क्या बनेगा, ये ऐसे गया तो ये वन, ये बनेगा एक्स, ये बनेगा एक्स, और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब करो इसका फैक्टर, अब खोलो इसको, तो क्या बन जाएगा, वन वन प्लस एक्स, और एक्स को इससे करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है जी, ये वाली लाइन लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक, अब आपको पता ही है वन माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, और ये वाली लाइन भी क्या बन जाएगी, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, तो वन माइनस एक्स क्यूब इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो दोनों सेम हो गए, तो दोनों सेम हो गए तो वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो सेम दे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करना, ध्यान रखना। गलती क्या हुई थी कि यहां पर एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो तब भी यहां पे स्क्वायर छोड़ दिया, ये गलती थी। तो ध्यान रखना, एक्स कॉमन लेते वक्त भी ये ध्यान रखना कि भाई कॉमन लेके उस डिजिट को बिल्कुल सेपरेट कर देना है, ये नहीं कि वहीं पे छोड़ दो बाद में गलती हो जाए। ठीक है, फटाफट नोट करो इसे, वीडियो पॉज करो और नोट करो इसे। ठीक है, नोट करो, फिर मैं उसके बाद तुम्हें कराता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा। नोट कर लिया होगा, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो शुरू करें। हाँ जी, क्या था आप, क्वेश्चन नंबर 13, फिर 14 कराते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 13। एक काम करो, 13 से पहले क्वेश्चन नंबर 14 करो, ताकि आपको पहले ये बात क्लियर हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फिर 13 कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, पहले 14 करो। क्वेश्चन नंबर 14 ये देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, एक नंबर मतलब नकली क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर वो कंसेप्ट आपको पता चल गया ना,
तो उसके बाद तो कुछ भी आ जाए आपके सामने बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे। कंसेप्ट क्या है ध्यान से सुनिए, क्या चाहिए आपको, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर देखो, वन प्लस ए स्क्वायर है, काश यहां बी स्क्वायर होता मजा आ जाता, काश यहां सी स्क्वायर होता तो मजा आ जाता, क्यों, तब तो ऐड करते मिल जाता वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो तो काश काश यहां पे क्या होता, बी स्क्वायर, यानी कि अगर यहां पे बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भाई बी स्क्वायर आ जाएगा। काश यहां पे सी स्क्वायर होता तो, यानी अगर इस वाले को सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बात बन जाएगी, बन जाएगी। लेकिन बच्चों जिस तरीके से इसको ऐड करने के लिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो इनको ऐड करने के लिए बी स्क्वायर तो पहले से ही है, तो ए स्क्वायर इसको चाहिए सी स्क्वायर इसको चाहिए, और यहां तो सी स्क्वायर पहले से ही है, तो काश ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई इस वाली रो को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इस वाली रो को अगर हम बी से मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और इस वाली रो को अगर हम सी से मल्टीप्लाई कर दें तो सी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई मजा सा आ जाएगा। तो बस लिखेंगे ए बी एंड सी आर मल्टीप्लाई बाय R1, R2 एंड R3। चलो अब आपको तो पता ही है भाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जबरदस्ती का सौदा होता ही है, तो इसलिए जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे, ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं। तो चलो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए से, तो ए स्क्वायर प्लस वन। हाँ भाई ये बन गया ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। इसको बी से कर रहे थे तो ए बी स्क्वायर बी बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी। इसको सी से कर रहे थे सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना, अगर बच्चों मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, ध्यान से देखना, इन तीनों को ऐड करता हूं तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये चाहिए मुझे, लेकिन फालतू कौन आ रहा है, ए ए ए इस रो में, इस वाली कॉलम में ए फालतू आ रहा है, निकाल लेंगे। हाँ भाई मुझे क्या चाहिए, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ जी, तो वन, हाँ जी ध्यान से देखना जरा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फालतू कौन आ रहा है, बी। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फालतू कौन आ रहा है, सी। तो इसका मतलब C1 में से A कॉमन निकालो, C2 में से B और C3 में से C। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3। तो लो भाई कॉमन निकाल लिया ए बी सी, और नीचे तो यहां रह गई ये, तो इससे पूरा कैंसिल। अब भाई यहां से ए कॉमन निकालो तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस वन, यहां क्या बचा बी स्क्वायर, यहां क्या बचा सी स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन, सबके हिस्से में से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लिया, ये तो कट पिटा के खत्म। अच्छा अब क्या करना है, आप C1 C2 C3 नहीं जोड़ सकते, आप क्या जोड़ोगे, सी R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। तो बस R1 में ऑपरेशन करो, R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ जी क्या बनेगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या बना बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है चलो अब आपको पता ही है, फिर से टेकिंग कॉमन क्या, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टेकिंग कॉमन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम R1, तो निकाल लो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहां भी क्या बचेगा वन बी स्क्वायर प्लस वन, यहां क्या बचेगा सी स्क्वायर, यहां क्या बचेगा वन बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन, ये बचा। देखो अब आपको वन वन की लाइन मिल गई, अब वन वन की लाइन मिल गई तो आपको पता ही है झंडे गाड़ दोगे, दोनों को क्या बना दो जीरो बना दो, दोनों को क्या बना दो जीरो बना दो, बात खत्म। कैसे, सी टू में सी टू माइनस सी वन, सी थ्री में सी थ्री माइनस सी वन, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ जी वन बी स्क्वायर अपॉन सी, ये जीरो, इसमें से ये माइनस करोगे तो वन आएगा, इसमें से माइनस करोगे जीरो, इसमें से वो करोगे जीरो, इसमें से बी करोगे जीरो और इसमें से ये माइनस करोगे तो वन। ठीक है कर दो,
हाँ भाई डिटरमिनेंट निकालोगे, 1 1 0 0 1, ठीक है, बाकी सब तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा, ये बात तो हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। फैक्टर बनाओ, 1 भाई इससे कर दोगे 1 मल्टीप्लाई को फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 तो 0 1 ही रह गया, तो क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। तो देखो है ना बिल्कुल नकली क्वेश्चन, तो इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है, बस आपको पहली लाइन जो है वो सोचनी है कि आखिर भाई हमें इसमें करना क्या है। अगर आपने पहली लाइन सोच ली तो बात ही खत्म, आप वीडियो पॉज करो और नोट करो, ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है, ठीक है, ये वीडियो पॉज कर लिया आपने, वीडियो पॉज करके अब तक नोट भी कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलो अब देखो, अगर वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया है तो जरा इस पे आ जाओ भाई, जरा इधर आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर हम करने जाएंगे अब 13, बड़ा प्यारा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा प्यारा और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो अब जरा ध्यान से देखना क्या करना है, ठीक है। चलो इसे रफ करते हैं, ये तीन क्वेश्चन करके सीधा मिसलेनियस पे चलेंगे, ठीक है, मिसलेनियस के काफी सारे क्वेश्चन कवर करवा देंगे अभी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसकी आखिरी क्लास होगी, फिर इन्वर्सिटी को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर अब होएगा कौन सा, 13, ठीक है, ए प्लस ए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। अच्छा अब भाई मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये कंटेंट मिल जाए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे ये कंटेंट चाहिए भाई किसी भी हाल में चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों मेरे पास ना दो तरीके से तो बन रहा है, मेरे को दो तरीके तो यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि मेरे पास ये दो तरीके तो बन रहे हैं, कौन से तरीके हैं वो देखो बच्चों, अगर मैं रॉ के हिसाब से देखूं तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, जबकि मुझे चाहिए क्या, प्लस का बी स्क्वायर, मतलब कि अगर बच्चों इसको मैं ऐसे लिखने में पॉसिबल हो जाऊं, यानी मैं कहीं से इसके साथ प्लस का 2b स्क्वायर ले आऊं, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो देखो अगर मैं r1 + br3 कर दूं, br3 कर दूं, तो ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, अरे डेफिनेटली होगा। अगर मैं R1 के अंदर ऑपरेशन करूं, R1 + br3, तो देखो br3 b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर बनेगा, और इससे माइनस होके ये बन जाएगा, हाँ कि ना। तो चलो एक कंटेंट तो मेरे को क्लियर हो गया, मुझे मिलता वो दिख गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो अब मैं R2 की बात करता हूं, इस वाले R2 में देखना ध्यान से, अच्छा ये वाला R2 जो है असल में है क्या, 1 - a² + b², सही बात है, ठीक। अब यहां पे प्लस का 2a² मिल जाए, प्लस का 2a² मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन बच्चों यहां पे तो 2b+ का था इसलिए हमने ऐड किया, लेकिन बच्चों यहां तो 2a पहले से ही क्या है, माइनस का है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और जब ये माइनस माइनस प्लस होगा तभी जाके मुझे आंसर ये मिलेगा, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं R2 के अंदर ऑपरेशन करूंगा, ये वाला R2 - a R3, क्यों माइनस का a R3, क्योंकि माइनस का a इसे माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस का बना देगा, और फिर मेरे पास ये आंसर आएगा, सही बात है। तो चलिए दो तरीके से तो मेरे को मिल गया, अब रह गया
तीसरा तरीका, क्योंकि हमें ये ए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब चाहिए, पहले दो बार तो निकालो फिर देखते हैं आगे। तो आर वन, हाँ जी, तो इसमें से आपने क्या माइनस किया, आर वन प्लस बी आर थ्री, यानी इसमें से आपने ये माइनस किया तो आएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है टू ए बी प्लस का, और इसमें भी बी मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनेगा टू ए बी माइनस टू ए बी, तो क्या बन गया, जीरो। ठीक है, अब इसमें देखना, हाँ जी, ये कौन है आर वन, आर वन का कौन है माइनस का टू बी, ठीक है, और बी आर थ्री क्या है, बी आर थ्री, तो करो भाई प्लस का बी आर थ्री, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का टू बी प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब, बी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस के टू बी में से बी जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का बी माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब, और फिर इसमें से भी बी कॉमन ले लोगे, माइनस का बी कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ कि ना, सही बात है। तो बस मैं यहां पे सॉल्व करके क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं माइनस का बी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कौन से ऑपरेशन के तहत, इस ऑपरेशन के तहत, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, अब है आर टू के अंदर ऑपरेशन करना, आर टू माइनस ए आर थ्री, तो भाई देखो ये है टू ए बी माइनस ए आर थ्री, ए से करेंगे माइनस का तो ए आर, ये भी तो ये कट गया तो क्या आ गया यहाँ पे, जीरो, क्या आ गया यहाँ पे, जीरो। अब इससे देखो, हाँ भाई आर टू, आर टू कितना है, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए, हाँ भाई आर थ्री, आर थ्री कितना, माइनस का टू, तो क्या बन जाएगा ये, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का टू ए स्क्वायर, तो वन माइनस में से जाएगा प्लस, तो देखो भाई वापस यहीं पे आ गए, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या है, आर टू कितना है, टू ए माइनस ए आर थ्री, माइनस ए आर थ्री, चलो भाई टू ए माइनस का ए प्लस का ए स्क्वायर प्लस का, सॉरी ए क्यूब और प्लस का ए बी स्क्वायर, टू ए में से ए गया ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए कॉमन ले लो, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बस यहां सॉल्व करोगे लिखोगे ए वन प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर थ्री के साथ तो हमने को पंगे लिए ही नहीं, तो इसको जैसा है वैसा ही छोड़ दो, ठीक है। चलो अब क्या दिख रहा है तुम्हें, हाँ भाई आर वन में से ये कॉमन आ रहा है, आर टू में से ये कॉमन आ रहा है, कह रहा है कहाँ आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो भाई जीरो में से तो आपको पता है कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो बस टेकिंग कॉमन, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, खुद समझ जाओ, टेकिंग कॉमन भाई ये फ्रॉम आर वन ये फ्रॉम आर टू, ठीक है, तो भाई दो बार कॉमन लिया जा रहा है, जब दो बार कॉमन लेंगे, चलो ये तो ना मैं पूरा लिख देता हूँ, दोनों बार कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बना, वन जीरो टू बी, ठीक है, और यहाँ क्या बना, जीरो वन माइनस का टू ए, यहाँ क्या बना, माइनस का बी ए, और यहाँ क्या बना, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके वन प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएंगे, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा भाई डिटर्मिनेंट, वन ये गया वन माइनस टू बी ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। चलो और जीरो वाला तो खत्म ही हो जाएगा भाई, जीरो वाली पार्टी तो खत्म ही हो गई, ठीक है, जीरो ए टू बी वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस प्लस क्या, माइनस का बी, ठीक है, ये भी गया जीरो वन टू ए माइनस, सॉरी टू बी माइनस टू ए, ठीक है, ये रह गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, हाँ भाई अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये बनेगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, वन से मल्टीप्लाई हो गया तो एज इट इज वैसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई करो इसको वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको इससे करो तो माइनस माइनस प्लस का टू ए बी बन जाएगा, सही बात है। चलो ये वाली जीरो वाली पार्टी है, ये तो जीरो ही हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस का बी, ठीक है, माइनस का बी अब क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस का बी, सॉल्व करो, सॉल्व करो, इसको इससे करेंगे तो जीरो होगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का टू बी होगा, सही बात है। चलो तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बनेगा वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये माइनस माइनस क्या बनेगा, टू ए बी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वन ए
सॉरी, यहां पे 2b नहीं होगा बच्चों, 2a होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, 2a होगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई बच्चों, ये 2 प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर। अब सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 1, ठीक है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर किसका, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b में से एक भी गया बी स्क्वायर। हाँ भाई, तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्यूब, हैंस प्रूव्ड। तो देखो इतना नकली क्वेश्चन है, बस एक छोटी सी पहल करनी है आपको, एक छोटा सा पहलू उठाना है और उसको सॉल्व कर देना। तो यानी बहुत ही सिंपल तरह के क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये बहुत ही क्या है, सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाते हैं ये एग्जाम्पल, तो आप लोग सारे करना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी होएगी अपना, ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम मिसलिनियस में चलते हैं, ठीक है, मिसलिनियस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर सकते हैं, थर्ड मैं करवाऊंगा, थर्ड मैं करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग कर सकते हैं, ट्राई करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 11 से मैं कराऊंगा, ठीक है, करने को तो ये भी कर सकते हो, लेकिन 11 करा देता हूँ, नहीं तो कहोगे सब सर तो सारे तो हमें ही दे दिए, तो खुद क्या कराएंगे, ठीक है, तो मैं कराता हूँ। ठीक है, चलो 11 कराता हूँ मैं, 11 देख लो, मतलब बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, जिसने नहीं नोट किया होगा फिर से सुन लेना कौन कौन से मैंने बोले करने के लिए, ठीक है, कर लो और मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना जो छूट जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो सारे कवर करा दूंगा, खत्म करा दूंगा, चैप्टर ओवर हो, लगभग ओवर हो गया है। एमएल अग्रवाल से क्वेश्चन करो और डाउट भेजो, ठीक है, और एमएल अग्रवाल से कर लो, उसी में से आते हैं, ठीक है, बाकी मैं मुझे तो कराने पड़ेंगे ही भाई, मेरी तो जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी तरफ से भी थोड़ी सी समझो, ठीक है, करो उन क्वेश्चनों को, ठीक है भाई। चलो देखो अब जरा, क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर है बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है जी, ये काम करना है, ठीक। अब देखो चाहिए क्या क्या, पहले तो ये देखो, एक तो चाहिए मुझे बीटा माइनस गामा, ठीक है, एक चाहिए मुझे गामा माइनस अल्फा,
और एक चाहिए मुझे अल्फा माइनस बीटा, देख रहे हो क्या क्या चाहिए। फिर देख लो, अल्फा एक तो बीटा माइनस गामा चाहिए, ठीक है, एक गामा माइनस अल्फा चाहिए, ठीक है, और एक क्या चाहिए हमें, एक हमें चाहिए भाई अल्फा माइनस बीटा। चलो तो बस शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। चलो भाई तो शुरू करें। हाँ जी, तो कैसे करेंगे ये देखो। अगर बच्चों देखो, एक तो R3 माइनस R1 करने से मुझे गामा माइनस अल्फा मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अच्छा, और अगर मैं R2 माइनस R1 कर दूं तो मुझे बीटा माइनस अल्फा मिल जाएगा। लेकिन यार हमें तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए, कोई बात नहीं माइनस कॉमन ले लेंगे, तुम्हें पता ही कॉमन लेने में तो एक नंबर माहिर है, है ना भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, एक काम करो आप, ऑपरेशन चलाओ R2 का R2 माइनस R1, और R3 का ऑपरेशन चलाओ R3 माइनस R1, ठीक है, चलाओ। हाँ जी, ऑपरेशन चलाना जरा भैया, ठीक। R2 ये पहली बात तो ये तो सेम रहेगा, ये तो अपनी जगह पे रहेगा सेम, R2 माइनस R1 बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, ठीक है भाई। गामा से गामा गया तो क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा, सही बात है। चलो तो यहां तक बात बन गई। अब ये गामा माइनस अल्फा, यहां तक बात बन गई। गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहां तक भी बात बन गई। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ये कट गया, ये आ गया क्या, अल्फा माइनस गामा, सही बात है। चलो अब जो क्वेश्चन में चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हाँ जी, तो ये रहा अल्फा, भाई हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए, माइनस कॉमन लो अल्फा माइनस बीटा, हमें गामा माइनस अल्फा चाहिए है हमारे पास अल्फा स्क्वायर, हमें भाई माइनस कॉमन लेंगे तभी तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। यहाँ तो फॉर्मूला लग सकता है गामा माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा क्या, बीटा प्लस गामा, ये तो पहले से अल्फा माइनस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों नीचे तो मुझे क्या चाहिए था, गामा माइनस अल्फा, यहाँ तो अल्फा माइनस गामा है तो माइनस कॉमन ले लो गामा माइनस अल्फा, आ गया। चलो लगाएंगे भाई जरा हिसाब किताब, ठीक है। अब इसमें खोलो इसको, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, गामा माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा, ठीक है, और ये बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस बीटा, और ये माइनस का गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब तो आपको पता ही है टेकिंग कॉमन, कॉमन क्या लेंगे, एक तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेंगे कहां से, R2 से, और गामा माइनस अल्फा लेंगे कहां से, R3 से, ठीक है। लो कॉमन क्या जाएगा, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा, ये कॉमन ले लिया, बचा क्या, अल्फा माइनस वन गामा सॉरी माइनस वन वन, यहां बचा अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और ये गामा प्लस अल्फा, और यहां क्या बचा, बीटा प्लस गामा, यहां बचा वन, यहां बचा माइनस का वन, ठीक है। अच्छा अब बच्चों अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना, अब सिचुएशन बनती है ये कि हमने बीटा माइनस ये अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लिया और गामा माइनस अल्फा भी निकाल लिया, अब किसी तरीके से ये और मिल जाए क्या, ये और मिल जाए बीटा माइनस गामा, तो बात बन जाए, बीटा माइनस गामा मिल जाए तो बात बन जाए। मुझे चाहिए क्या, बीटा माइनस गामा, मुझे चाहिए क्या, बीटा माइनस गामा। अच्छा बीटा माइनस गामा की पॉसिबिलिटी तुम्हें कहां पे दिख रही है, मुझे ये बताओ, मुझे बीटा माइनस गामा की पॉसिबिलिटी तुम्हें कहां पे दिख रही है, कहीं दिख रही है बीटा माइनस की पॉसिबिलिटी, बताओ मुझे। चलो ये देखो जरा, अगर मैं भाई यहां पे गामा है यहां पे बीटा है, यहां पे मुझे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है, यहां पर मुझे क्या दिख रही है भाई, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर मैं यहां पर कुछ काम करूं तो मेरा काम बन सकता है। किस तरीके का काम बन सकता है बच्चों, किस तरीके का काम बन सकता है जल्दी बताओ, किस तरीके का काम बन सकता है। देखिए आप क्या कीजिए, अरे कोई गड़बड़ तो नहीं की, नहीं नहीं की, ठीक है। अगर बच्चों मैं R3 के अंदर ऑपरेशन कर दूं क्या, R3 प्लस R2, तो मुझे लग रहा है यहां पे बात बन जाएगी, ठीक है, करना जरा, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा हाँ भाई वन,
ये इसके साथ ऐड होगा, जीरो आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर यह है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा अब जरा आर थ्री प्लस आर टू करो, यानी कि गामा प्लस अल्फा, वो तो माइनस है, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा, ये कट गया। हाँ भाई क्या आ गया, गामा माइनस बीटा आ गया, गामा माइनस बीटा आ गया, जबकि हमें क्या चाहिए, बीटा माइनस गामा। चलो वो तो हम कर लेंगे, पता ही है कैसे करेंगे, ये वन है और इसको ऐड करेंगे इसके साथ, ये क्या आएगा जीरो, ठीक है। अब क्या करो, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, गामा माइनस वन माइनस अल्फा प्लस बीटा, वन जीरो माइनस कॉमन ले लो, बीटा माइनस गामा, यही चाहिए था। चलो अब ये तो क्या रहेगा जीरो। हाँ भाई फिर से टेकिंग कॉमन, ये जीरो से तो ले ही सकते हैं कॉमन, क्या दिक्कत है, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा, तो देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये मिल गया, तीनों मिल गए, बात खत्म, सॉल्व कर देंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। यहां वन सॉरी यहां तो यही रहेगा, ठीक है। अब क्या करो भाई, एक्सप्लेन वो बस एक्सपेंड कर दो, बात खत्म, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करोगे सब कुछ कट पिटा के खत्म, कहानी, डिटरमिनेंट निकाल दो, अल्फा तो क्या होगा, डायरेक्ट कर दूं, जीरो प्लस का वन, ये आ गया जीरो प्लस का वन, ठीक है जी, डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत मत सोचना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इससे करेंगे जीरो, इससे करेंगे जीरो, तो पूरा ही जीरो हो गया, प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बीटा प्लस गामा, ये भी गया ये भी गया, तो इससे होएगा प्लस का वन, इससे होएगा तो जीरो, ठीक है जी। चलो क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा, ठीक है, और ये अपना आ गया भाई क्या, अल्फा ये जीरो, ये आ गया भाई अपना बीटा प्लस गामा, देखो यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, खत्म कहानी, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, खामा खामा घबरा रहे थे हम, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, फटाफट नोट कर लो, ठीक है, करो इसको फटाफट नोट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, चलो अब कौन सा क्वेश्चन कराएं, 12वां करा दूं, 12वां कराऊं। हाँ बच्चों, तो ये वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा अब तक, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर ना कराने जा रहा हूं, 12, 13 और 14 आप खुद कर सकते हो, 15 मत करना, 13 और 14 कर लो बस, ठीक है। तो बच्चों देख लो, मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन दे दिए, अब आपके पास ना टाइम नहीं बचेगा कुछ फालतू के काम करने का, ठीक है, कोई टिकटॉक वगैरह पबजी वबजी अगर जो कर रहा है तो भाई उसे अब बिल्कुल हटा दो अपने दिमागों से, ठीक है। और ये देख लो, ये 12वां क्वेश्चन देख लो, मैं इसमें हिंट दूंगा बस, ठीक है, मैं इसमें क्या करूंगा, हिंट दूंगा, बाकी आपको करना खुद ही है। ये एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, फिर 1+px³, 1+py³, ठीक है, और 1+pz³, ठीक है। प्रूफ देखो क्या करना है, प्रूफ करना है आपको 1+px yz, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, अब तक तो यही करते आ रहे हो। पहली बात तो ये देखो, आपको मैंने प्रॉपर्टीज में क्या सिखाया याद है, कोई जब एक पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम एड में या माइनस में होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो पहली बात तो इसको सेपरेट करके एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, वन 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 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, प्लस, हाँ भाई, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स का क्यूब, पी वाई का क्यूब, पी जेड का क्यूब। पी तो भाई डायरेक्ट इसमें से कॉमन निकाल लोगे ना तुम, सी थ्री में से जो ये है, क्या करोगे भाई, पी तो डायरेक्ट करेगी, ये कॉमन निकाल लोगे, बात खत्म। अब देखो, वन 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 की लाइन दिख गई, अरे दिखी कि नहीं दिखी, बस कर दो सॉल्व। अब तुम कहोगे कि सर यहां भी नहीं दिख रही, अरे तो कुछ नहीं करना यार, यहां से एक्स कॉमन, यहां से वाई कॉमन, यहां से जेड कॉमन, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वन 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 के, तो इन दो को जीरो बना दोगे, बात खत्म। पी एक्स वाई जेड, यहां से एक्स कॉमन लोगे, वन एक्स एक्स स्क्वायर, वन वाई वाई स्क्वायर, वन जेड जेड स्क्वायर, इसमें भी वन 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 की लाइन बन गई, सॉल्व कर दो, बात खत्म,
और कॉमन ले लेना जो भी चीज कॉमन आ रही है, ठीक है। ये वो भी समझ में नहीं आ रहा, वो भी समझ में नहीं आ रहा, एक काम और करो भाई। देखो ये वन 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 जब दो बार इस तरफ आएगा, तो आपको पता है ना, जब भी हम किसी भाई जब भी हम लोग किसी रो को या कॉलम को, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो आपको पता है उसके डिटरमिनेंट में माइनस का फर्क आता है, पता है ना, ये प्रॉपर्टी में सिखाया था। तो देखो जब आप पहली बार इन दो को इंटरचेंज करोगे, मतलब इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे, मतलब C3 को इधर, C2 को इधर लेकर आओ, 111, तो आगे माइनस लग जाएगा। लेकिन फिर 111 की लाइन इधर आ गई, अब उससे भी इंटरचेंज कर दो, तो 111 इधर आ जाएगा, एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, जब एक बार इंटरचेंज किया पहला माइनस, दूसरी बार इंटरचेंज किया दूसरा माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया। तो यानी जब हम इसको दो बार इंटरचेंज करेंगे तो ये वापस हमें कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा ही दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा ना, ठीक है। अब देखो ये हिस्सा एक जैसा है, कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और जब कॉमन ले लोगे तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, वन, इसको भी कॉमन ले लिया तो बचा क्या, पी एक्स वाई जेड। देखो पहला हिस्सा प्रूफ हो गया, ठीक है, अब ये प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को बनाएंगे जीरो, सॉल्व कर दो, आ गया आंसर, सिंपल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, सॉल्व करो इसको, ठीक है, और अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में मैं आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश करा दूंगा, और बच्चों जो भी डाउट हो मुझे प्लीज सेंड करो, आप लोग डाउट नहीं सेंड करते, 12th क्लास में आ गए हो, लेकिन बिल्कुल भी डर नाम की चीज नहीं है थोड़ी सी भी, कि हाँ भाई ये कि चलो भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पेपर में आ जाएगा तो भाई हमारे काम ही आएगा, तो कर लो इसको बच्चों, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल सकते हो, ठीक है, तो आपके भलाई के लिए ही बोला जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।